ये आदमी एक राइफल को उठाकर अपने बेटे पर निशाना लगाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे उनके बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो डरते हुए अपनी बंदूक के अंदर एक और गोली लोड कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी गोली चला पाता, उसका बेटा कहीं गायब हो जाता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का उड़कर वहां पहुंच जाता है और अपने पिता को बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ उसकी माँ को अपने बेटे की एक किताब मिल जाती है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि शहर में हो रही हत्याओं के पीछे उनके बेटे का ही हाथ है। लेकिन इससे पहले कि वो ये सच्चाई सबके सामने पाती, वो लड़का वहाँ पर पहुँच कर तबाही मचाने लगता है। वो औरत किसी तरह से अपने घर से बाहर निकल आती है, तभी उसे याद आता है कि उस लड़के को सिर्फ एक ही चीज से जख्मी किया जा सकता था और वो चीज वही स्पेसशिप थी जिसके अंदर उन्हें कई सालों पहले वो लड़का मिला था। वो स्पेसशिप के अंदर से एक नुकीले से टुकड़े को उठा लेती है और बड़े प्यार से उस लड़के को अपने पास बुलाने लगती है। फिर वो प्यार का नाटक करके उसे गले से लगा लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो उस लड़के को मारने ही वाली थी कि तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में आकर अपनी माँ को आसमान की गहराइयों में ले जाकर 50,000 फुट की ऊंचाई से फेंक देता है। फिर अगले दिन वो पुलिस के सामने मासूम बनने की एक्टिंग करने लगता है।